नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बनाएंगे ब्रेड पकौड़ा, वो भी बिल्कुल दुकान जैसा। तो हमने यहाँ पे देखिए आलू को पहले से उबाल रखा था और आलू को छील भी लिया था। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आलू को अच्छे तरीके से फोड़ लेती हूँ। इस तरीके से आलू को फोड़ लेना है। फिर मैं हरी मिर्च को इस तरीके से दो भाग में काट लेती हूँ, पतला पतला करके। तो मिर्ची यहाँ पे मैंने काट लिया। मैं लहसुन को इसी तरीके से काट लेती हूँ बारीक करके। तो लहसुन भी हमारे यहाँ पे कट चुका है। मैं चलती हूँ चूल्हे पे, कढ़ाई रख देती हूँ। आग हमने पहले से ही जला रखा था। अब मैं कढ़ाई के अंदर डाल देती हूँ सरसों का तेल और फिर इसके अंदर डाल देती हूँ जीरा। तो देखिए तेल हमारे यहाँ पे गर्म हो चुका है और जीरा हमारा भुन रहा है। अब जो मैंने लहसुन और हरी मिर्च काटा था वो भी इसके अंदर डाल देती हूँ। तो लहसुन यहाँ पे मैंने डाल दिया। अब मैं हरी मिर्च डाल देती हूँ और इसे अच्छे तरीके से चला देती हूँ। अब मैं डाल देती हूँ इसके अंदर स्वाद अनुसार हींग। हींग से टेस्ट काफी अच्छा आता है। और फिर इसे एक बार अच्छे से चला देती हूँ। तो यहाँ पे हमारा तड़का ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसके अंदर आलू डाल देती हूँ। तो अब मैं डाल देती हूँ इसके अंदर हल्दी पाउडर, दो चम्मच, और लाल मिर्च पाउडर। फिर मैं इसके अंदर डाल देती हूँ स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर। इन सबको अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर देती हूँ। तो ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए यहाँ पे हमने आलू को फ्राई कर लिया है, इससे टेस्ट हमारा अच्छा आएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं इसे अच्छी तरीके से फ्राई कर लेती हूँ इसे चलाकर। इस तरीके से मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ ताकि सब कुछ इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। चूंकि मैं तब तक चलाती रहूंगी जब तक इसके अंदर सब कुछ मिक्स ना हो जाए और ये अच्छे से पक ना जाए। इस तरीके से देखिए मैं इसको अच्छे से चलाती रहूंगी। तो चूंकि यहाँ पे हमारा पक चुका है, अब मैं इसको एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। चुका है यहाँ पे हमारा फ्राई हो चुका है। अब मैं चलती हूँ कढ़ाई के अंदर तेल डाल देती हूँ ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए हमने दो ब्रेड ले लिया है। अब इसके अंदर हम ये आलू को अच्छे तरीके से लगा लेंगे चारों तरफ। इस तरीके से हमें आलू को लगा लेना ब्रेड के ऊपर, फिर इस तरीके से एक और ब्रेड रख के और पीस इसको कट कर देना है ट्रायंगल शेप में। तो देखिए इस तरीके से हम करके सारे ब्रेड पर आलू लगा लेंगे। चारों तरफ हमें आलू को फैलाकर ब्रेड पर लगाना है और फिर उसके ऊपर एक और ब्रेड रख के उसे ट्रायंगल शेप में कट कर लेना है। तो हमारा ब्रेड यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब मैं बना लेती हूँ बेसन का पेस्ट। तो यहाँ पे देखिए मैंने हल्का सा डाल दिया है बेकिंग सोडा। अब मैं डाल देती हूँ इसके अंदर हींग पाउडर और फिर इसके अंदर डाल देती हूँ लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। इन सबको डाल के अच्छी तरीके से मैं इनको मिक्स करूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने डाल दिया साबुत जीरा भी और थोड़ा सा अजवाइन और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारा बेसन जो होता है वो थोड़ा सा साबुत रह जाता है, ढोका ढोका उसमें बन जाता है गोल गोल सा। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे अच्छे से मैं पेस्ट बनाऊँगी इस तरीके से। देखिए ये देखिए यहाँ पर जो गोल गोल सा दिख रहा है तो इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ।
पे देखिए हमारा बेसन मिक्स हो चुका है, अभी भी थोड़ा बहुत है, तो फिर इसको मैं पानी डाल के हल्का हल्का इसको फोड़ लेती हूँ और अच्छे से पेस्ट तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारा पेस्ट काफ़ी अच्छा बन के तैयार हो चुका है, ये देखने में ही लग रहा है कि हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ब्रेड को डाल के डीप करके तेल के अंदर डालूंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने तेल के अंदर डाल दिया है ब्रेड पकौड़े को डीप करके। इसी तरीके से करके मैं सारे ब्रेड को तेल के अंदर डालूंगी। तो तेल हमारे यहाँ पे गरम हो चुका था, तो देखिए हमारा ब्रेड पकौड़ा ब्राउन हो ही चुका है। एक तरफ से मैंने इसको पलट दिया अच्छी तरीके से। ब्रेड पकौड़ा हमारे यहाँ पे हो चुका है, अब मैं इसको निकाल लेती हूँ दूसरे बर्तन में। इस तरीके से करके मैं सारे ब्रेड पकौड़ों को बना लूंगी। तो आज मैं दो तरह का ब्रेड पकौड़ा बनाऊंगी। तो देखिए एक तरीके का ब्रेड पकौड़ा हमारे यहाँ पे बन के तैयारी हो चुका है। यहाँ पे देखिए ये ब्रेड पकौड़ा हमने बना लिया जो ट्रायंगल शेप वाला होता है। अब मैं बिना काटे दूसरा ब्रेड पकौड़ा बनाऊंगी। तो ये जितना बचा हुआ इसको मैं निकाल लेती हूँ अलग बर्तन में। ये हमारा हो चुका है, आप देखिए मैं दूसरा ब्रेड पकौड़ा बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने इस ब्रेड पकौड़े को कट बिल्कुल भी नहीं किया है, ये बिल्कुल साबुत है। अब इसको मैं तेल में डाल देती हूँ, इसी तरीके से डीप करके इसको मैं तेल में फ्राई कर लेती हूँ। ये हमारा दूसरा ब्रेड पकौड़ा है, इसको हमने बिल्कुल भी कट नहीं किया है। भी हमारा हो चुका है, मैं इसको पलट देती हूँ दोनों तरफ से, पलट के इसे अच्छे से पका लेती हूँ। तो यहाँ पे दोनों ब्रेड पकौड़ा हमारा बनके तैयार हो चुका है और ब्रेड पकौड़ा बिल्कुल दुकान जैसा बना है, जैसा दुकान में मिलता है। तो देखिए ये भी ब्रेड पकौड़ा हमारा पक चुका है, इसको भी मैं इस थाली में निकाल लेती हूँ और इसी तरीके से करके मैं सारे ब्रेड पकौड़ों को बना लेती हूँ। दोस्तों आज की वीडियो बस हमारी यही खत्म होती है। तो कैसी लगी आपको वीडियो, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और आप भी एक बार इस ब्रेड पकौड़े को अपने घर पर जरूर ट्राई करें। बिल्कुल इजी रेसिपी है, बिल्कुल सिंपल तरीके का है और बिल्कुल दुकान जैसा ही है। तो आप एक बार ट्राई करें और कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।